इस वीडियो में लिंगुअल पैपिलाइटिस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये अगर किसी को लिंगुअल पैपिलाइटिस हो जाता है तो कैसे आपको उसका टेक केयर करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन है जिसको करने से ये लिंगुअल पैपिलाइटिस जो है वो नहीं होती है। आमतौर पर जो हमारे जीभ होते हैं उसके ऊपर जो टेस्ट बड होते हैं वो थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी लोगों में इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खाने पीने की समस्या होने लगती है या फिर रख रखाव करने में दिक्कत होती है। जैसे कि अगर आप प्रॉपर अच्छे से सफाई अगर नहीं करेंगे तो मुंह में स्मेल वगैरह जो है वो बनने लगता है और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो होने लगते हैं। तो ये लिंगुअल पैपिलाइटिस अगर किसी को होता है तो कौन से ऐसे होम रेमेडीज हैं जिसको करने से आप घर पर ही इसे ठीक कर सकते हैं, और कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि आपको डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। दो कंडीशंस होते हैं लिंगुअल पैपिलाइटिस के, जो लोग हैबिट्स में होते हैं उनमें अलग टाइप के होते हैं और जो लोग हैबिट्स में नहीं होते हैं उनमें भी अलग टाइप के होते हैं। तो दोनों के लिए रेमेडीज जो है वो बताया गया है इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरा अंत तक इसे देखिएगा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर ज्योति पांडे। टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होता है जो उभरा हुआ होता है, छोटे छोटे होते हैं, कहीं कहीं पे सफेद सफेद कलर के दिखाई देते हैं, नहीं तो ये लाइट पिंक कलर के होते हैं। सामान्यतः अगर हम लोग उनको देखते हैं तो ऐसा कुछ भी उसमें उभार या फिर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में ये टेस्ट बड जो होता है वो ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उनमें ज़्यादा सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं दांतों की सफाई को लेकर के, या फिर उनमें जलन जैसी समस्या होने लगती है। जब आप खाना वगैरह खाते हैं तो इस टेस्ट बड्स में वो घुस जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह में स्मेल या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। जीभ के ऊपर पाए जाने वाले टेस्ट बड का इन्फ्लामेशन ही लिंगुअल पैपिलाइटिस कहलाता है। हमारे लिंगुअल पैपिलाइटिस जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, फिलीफॉर्म पैपिलाइटिस, फंगीफॉर्म पैपिलाइटिस या फोलिएट पैपिलाइटिस, सर्कमवेलेट पैपिलाइटिस, ये चार तरह के पैपिलाइटिस जो हैं वो हो सकती हैं। ये जो टेस्ट बड्स होती हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जीभ पे, जो कि अलग अलग स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आज हम लोग ये बात करते हैं कि अगर किसी में ये लिंगुअल पैपिलाइटिस हो जाता है तो किस तरीके से हम लोग उसे सही कर सकते हैं। तो अगर कभी भी लिंगुअल पैपिलाइटिस हो तो सबसे पहला ख्याल तो ये होना चाहिए कि आपको स्पाइसी चीज़ें जो हैं उनको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जो लोग हैबिट्स में हैं, अगर जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो उन लोगों को उसी दिन से बिल्कुल ये दोनों हैबिट्स को बंद करने देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहलिक दोनों ही कंडीशन में आपके ये पैपिलाइटिस के जो चांसेस होते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये पैपिलाइटिस जो है वो क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाते हैं, फिर आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। और कुछ लोगों में एलर्जिक पैपिलाइटिस भी होती है, मतलब कुछ खाने की कोई चीज़ें हैं उनकी वजह से उन्हें एलर्जी हो रही है, जिस वजह से टंग में इन्फ्लामेशन होने लगा है, उसके टेस्ट बड जो है वो काफ़ी उभरे उभरे होने लगे हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो आपको अपना शेड्यूल चेक करना चाहिए कि आप कौन से ऐसे चीज़ खाते हैं कि जिसको खाने के बाद आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ों के नाम मैं बता रही हूँ, जैसे उसमें सबसे पहले होता है अनियन का प्रयोग। बहुत सारे लोग जब कच्चा प्याज को खाते हैं तो उनके जो टेस्ट बड्स हैं उनमें उभार हो जाती है, रैसेज जैसे हो जाते हैं और उनके जो जीभ होते हैं उनमें जलन होने लगती है। बहुत सारे लोगों को लहसुन जो होती है वो कच्चा लहसुन खाने से ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग जो होते हैं उन लोगों को लाल मिर्च पाउडर जो होता है उससे, या फिर गरम मसाला पाउडर जो होता है उससे एलर्जी होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब भी अगर पैपिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो कम ऑयल वाला चीज़ लेना है, कम स्पाइसी चीज़ों का उपयोग करना है। अगर किसी को पैपिलाइटिस हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा टंग क्लीनर से, मतलब जीभ को बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना चाहिए। पतला कॉटन का कपड़ा है या फिर कॉटन स्वैब है उसको लेकर के आपको जीभ के ऊपर हल्का सा रब करना चाहिए और उससे अपने जीभ की अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पैपिलाइटिस जो होते हैं वो कई वजहों से होते हैं। अगर वजह आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर अगर आपका फंगल इन्फेक्शन है, और इस कंडीशन में अगर आप अपने जीभ की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं तो आपके मुंह में ओरल कैंडिडियासिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं
जो कि आपके मुंह में हो सकती है, जिसमें कि ड्राइनेस ऑफ द माउथ भी है, मुंह सूखने लगेगा और जलन की समस्या मतलब बर्निंग प्रॉब्लम जो है उसकी समस्या भी बढ़ सकती है। हर तरह के वेरिएंट लिंगुअल पैपिलाइटिस भी होते हैं जो कि हमारे टिप ऑफ द टंग में अक्सर देखे जाते हैं, जिससे कि आप जब भी खाने को खाते हैं तो गर्म खाना आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने पाते हैं, चाहे वो गर्म खाना हो, गर्म पानी हो, चाय, कॉफ़ी, दूध, कोई भी चीज़ हो, आप स्वीट वाले चीज़ों को भी नहीं खाने पाते। तो जब भी कभी इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर लिंगुअल पैपिलाइटिस है जिसमें कि आपका टिप ऑफ द टंग अगर इन्वॉल्व है तो आपको बिल्कुल भी गर्म गर्म चीज़ों को खाना अवॉइड करना है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड कॉफ़ी भी नहीं लेनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड आपको चाय लेनी है। इन दोनों चीज़ों का सेवन भी आपको बिल्कुल बंद करना होगा। बहुत सारे लोगों को पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से भी लिंगुअल पैपिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको आपके खाने में फाइब्रस फूड को इन्वॉल्व करना चाहिए। फाइब्रस फूड्स में जितने भी हमारे यहाँ के मिलेट्स होती हैं, जो अनाजें हैं, और उसके रागी, बाजरा, ज्वार है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या फिर फ्रूट्स हैं, ओट्स है, ये सारे चीज़ों में फाइब्रस जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जब आप इनका सेवन प्रॉपर करते हैं तो आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इस वजह से अगर आपको लिंगुअल पैपिलाइटिस हुआ है तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप जो है अपने जीभ पे अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, छनछनाहट बहुत ज़्यादा अगर हो रही है, तो आप जो है वो डेली एक चम्मच हनी का भी उपयोग कर सकते हैं। आप उसको अप्लाई करके कुछ देर के लिए उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको हल्के से पानी के साथ लेकर के उसको अच्छे से पूरे मुंह में घुमाइए और उसको फिर निगल जाइए। ये स्विच और सॉलो विधि जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है लिंगुअल पैपिलाइटिस के केस में। ज़्यादा रेड हो चुका है और उसमें से थोड़ा सा भी अगर चोट लगने के बाद अगर ब्लीडिंग होने लग रही है तो आप जो आलू होता है, आलू और एलोवेरा जेल को उसको प्रॉपर अच्छे से उसको मिक्स करके अपने जीभ के ऊपर लगा सकते हैं। इससे आपको 6 से 8 घंटे में ही उसकी जो रेडनेस थी वो कम होने लगती है और ब्लीडिंग टेंडेंसी भी कम होने लगती है। आप एक स्प्रे का बॉटल यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपको कुछ मात्रा में यूकेलिप्टस का ऑयल लेना है और उसमें टी ट्री ऑयल जो होती है उसका 2 से 4 ड्रॉप लेना है और नॉर्मल जो है वो पानी उसमें डाल करके उसको अच्छे से शेक करने के बाद अपने जीभ के ऊपर उसको स्प्रे कर देना है। ये वाली जो विधि होती है इससे बैक्टीरियल, फंगल या फिर वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस अगर आपके लिंगुअल पैपिलाइटिस में होते हैं तो वो बिल्कुल उसको कम कर देते हैं। उनकी जो इन्फ्लामेशन होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे कि जब आप खाना वगैरह खाते हैं तो आपको शुरुआत में जब आप इस स्प्रे का यूज़ करते तो उस समय आपको थोड़ी सी छनछनाहट महसूस होती है, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी रिलीफ होने लगता है। ये लिंगुअल पैपिलाइटिस जो होता है वो आपके दांत का जो कस्प होता है, जो एज होता है, उसके साथ होने की वजह से भी बनता है। तो अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो फिर उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना चाहिए। वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपके डेंटिस्ट आपका अच्छे से शार्पनेस को चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसकी कस्प पर ग्राइंडिंग कर देते हैं, जिसको कि हम लोग आम भाषा में दांत को चिकना कर देना बोलते हैं। आपकी जो पॉइंटेड दांत थे उसको चिकना करके उसको सॉफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि जब वहाँ पे जो है वो दांत को टच करता है तो उसको शार्प महसूस नहीं होगा और वो जो लिंगुअल पैपिलाइटिस जो हुई थी तो वो और ज़्यादा इरिटेट नहीं होगी और उसको और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस जो हैं वो नहीं होते हैं। जो लोग गुटखा का सेवन करते हैं या जो लोग हैबिट्स में होते हैं उनमें लिंगुअल पैपिलाइटिस जो होता है वो निकोटीन की वजह से हो सकता है या फिर बर्निंग की वजह से हो सकता है। मतलब धुआं अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो उस एरिया को इरिटेट कर सकता है और वहाँ पे लिंगुअल पैपिलाइटिस बन सकता है। तो इस टाइप का जब केसेस होता है तो कोशिश तो बिल्कुल ये करनी चाहिए कि हैबिट्स को बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स नहीं छोड़ रही है तो आपको डेली ये ज़रूर करना चाहिए कि हल्का सा गुनगुना पानी रहे, उसमें थोड़ा सा नमक को मिला करके आपको सुबह शाम दोनों टाइम अच्छे से आपको कुल्ला करना है, जिससे कि आपके जो मुंह की स्किन जो है वो रिलैक्स फील करे। को भी अगर हैबिट्स होती है और उनकी हैबिट नहीं छूटने पा रही है तो उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो डाइट हो उसमें विटामिन सी रिच डाइट उनमें होना ही चाहिए, जिसमें कि ऑरेंज जूसेस हैं या नींबू है, स्ट्रॉबेरीज हैं, जितनी भी फ्रूट्स है जो थोड़ी खट्टी होती है उन सारे चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, उसमें से वॉलनट ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती है जो कि आपके मुंह को नेचुरली जो है वो हील करने का काम करेगी, जिससे कि आपके हैबिट्स जो हैं उसकी वजह से जितना भी लॉस हो रहा है
उस चीज़ को वो कवर अप कर दे। आपको प्रचुर मात्रा में लाइकोपिन का उपयोग करना चाहिए। टमाटर जो है वो स्पेशली लाइकोपिन से रिच होता है, तो इसलिए आपको सैलेड के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि अगर लिंगुअल पैपिलाइटिस में कोई भी कैंसर्स अगर कंडीशंस अगर होने के चांसेस भी हों तो बिल्कुल भी ना हो। लिंगुअल पैपिलाइटिस जो है उसके कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस जनरली नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप अपने हैबिट को कंट्रोल में नहीं करते हैं तो ये जो है वो ज़्यादा गहरी अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा ऐसे छाले बनने लगेंगे लिंगुअल पैपिलाइटिस के बाद कि फिर उसको हीलिंग नहीं होने पाएगा वो, और उसमें कैंसर सेल डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए अगर किसी को लिंगुअल पैपिलाइटिस है या फिर जीभ पे कोई भी दाने उभार इस टाइप से अगर कुछ महसूस होता है तो पहले जो मैंने घरेलू उपाय बताए हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको वैसे ऑइंटमेंट दिए जाएंगे जिसको कि लगाने के बाद आपकी बर्निंग सेंसेशन भी कम होने लगेगी और उसमें हीलिंग प्रोसीजर जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आपको मल्टी विटामिन दिए जाएंगे, लाइकोपिन के टैबलेट दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी जीभ की सॉफ्टनेस जो है वो फिर से वापस आ सके। जीभ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जब भी सुबह शाम ब्रश करते हैं तो एक बार अपने टंग को ध्यान से जरूर देखना चाहिए कि उसमें कोई भी कट्स तो नहीं हो रहे हैं या फिर कोई उभार तो नहीं हो रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके और अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आ सके। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।